हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट जोन। आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स, क्या हैं उनके करंट इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपको लेकर। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है या फिर आपका कोई सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। यह पर्सन आपका एक्स एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं, जिनके साथ इस टाइम कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो देखते हैं नो कॉन्टैक्ट जोन, आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, कैसी हैं उनकी फीलिंग्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप लोग पिका ग्रुप रीडिंग देखना चाहते हो, लाइक आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर से रीडिंग करूँ मैं, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट मैं रीडिंग उस पर करूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव द स्टार, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इस पर्सन का स्टार संग एक्वेरियस हो सकता है, यस। नंबर 17, नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। डबल एट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मास्टर नंबर। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए। या इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं कुछ लोगों की तरफ से। सी गाइस, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। या तो ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, और मे बी आप लोगों की आगे बच्चे भी हैं, बट इस टाइम अनफॉर्चुनेटली हो सकता है किसी वजह से आपका सेपरेशन चल रहा है। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, और आई फील लाइक आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशली स्टेबल हो, या फिर आप लोग दोनों ही एक वर्किंग पर्सन हो। ऑब्वियसली अगर आप फीमेल हो तो भी आप वर्किंग पर्सन हो, या फिर आप कोई अपना हो सकता है बिजनेस करते हो, या फिर आप लोग इस टाइम सेपरेशन में हो किसी तरह से, और अपने आप को अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए मे बी आप लोग वर्क कर रहे हो। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, बट इट्स अ चाइल्ड। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके बच्चे हैं यहाँ पे जिनकी वजह से आपको आई फील लाइक हो सकता है जॉब करनी पड़ रही है, या फिर किसी तरह से आप लोगों को कोई वर्क करना पड़ रहा है ताकि आप उनके जो है अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप अच्छी कर सको, ब्रॉट अप अच्छा कर सको उनका। लेकिन इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है जैसे आपके हस्बैंड वाइफ जो हैं वो आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लाइक वो सेपरेशन ख़त्म करके आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। और आई फील लाइक हो सकता है यहाँ तो आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द स्टार। आप किसी ना किसी तरह से इस पर अपने अपनी यूनियन को अपने हस्बैंड या वाइफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका ये सपना जो है, आपकी ये विश जो है वो पूरी हो जाए, और आपके और इनके दरमियान चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप चाहते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड पूरी करें, आपके हस्बैंड उठाएं, जिस तरह पहले आपके साथ लाइक वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे, तो अभी भी कोऑपरेट करें और आपके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। और मुझे लगता है ये आपके जो हस्बैंड या वाइफ जिनके साथ सेपरेशन है वो भी इस टाइम यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका भी ड्रीम है कि आपके दरमियान बैलेंस बन जाए, सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, बिकॉज उनको लगता है कि आपके बिना वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे, या उनको लगता है कि आपके बिना वो हीलिंग नहीं है, उनको कोई हीलिंग एनर्जी नहीं मिल रही। दैट्स वाई अगर यहाँ पर टोटली आप सिंगल पर्सन के लिए देख रहे हो तो मुझे एनर्जी दिख रही है, जैसे ये जो भी पर्सन है, या तो ये पर्सन आपका बॉस है, या फिर ये पर्सन और आप सेम वर्किंग प्लेस पे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग एक सेम किसी ना किसी तरह से आप एक प्लेस पे हो, या चाहे आप वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये जो पर्सन है ये इस टाइम विद द स्टार, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग द यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और ये आपके साथ हर चीज़ में हारमोनी बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हीलिंग दे सकते हो, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हो। तो विद द स्टार इनको लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो, यू गाइज कुड बी अ वेरी पॉपुलर,
या तो आप पॉपुलर हो, या फिर हो सकता है आप वर्किंग प्लेस पे, या फिर जिस प्लेस पे आप दोनों हो सेम एक प्लेस पे, वहाँ पे मुझे लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हो, या फिर लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन भी आपको काफ़ी एडमायर कर रहा है। ये इस कनेक्शन में डेफिनेटली अपना इनपुट देना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, और अगर आपके दरमियान जो भी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं ये उसको फिक्स करना चाहते हैं, हर चीज़ को दोबारा से एक अच्छे वे में करना चाहते हैं। ठीक, विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज इनको लगता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आप एक पावरफुल कपल हो। आप दोनों में से कुछ एक इंसान सिंगल हो सकता है, और एक या तो एक इंसान मैरिड है, या फिर आई फील लाइक एक इंसान मे बी आप लोग खुद सिंगल हो सकते हो, एंड दूसरे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन या तो ऑलरेडी डिवोर्सी है, जिसके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर एक चाइल्ड हो सकता है उनका, अदरवाइज डिवोर्सी की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, बट ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे स्टेबल कमिटमेंट में आना चाहते हैं। यस, बिकॉज वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपके दरमियान, उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बन जाए। अगेन पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। गाइस, दिस पर्सन रियली वांट्स टू गिव यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टेबल कनेक्शन, न्यू बिगनिंग करने के लिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इसी बारे में करना चाहते हैं कि आपके साथ आगे जो है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कपल है, दैट्स वाई इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है इस सब चीज़ों को, और मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि दो लोग जब मिलकर मैनिफेस्ट करेंगे ना एक दूसरे को, तो वो एनर्जी अलाइन करेगी और जल्दी जल्दी वो चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट होंगी। नंबर वन इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से, इस पर्सन की एज 30+ भी हो सकती है। यस, एट नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है आपस में। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, आपको इनसे मिलने का कोई ना कोई पर्पस है, कर्मा जुड़ा हुआ है आपका। दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक सोलमेट, नॉट इन अ बैड सेंस, बट कर्म कार्मिक है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके दरमियान, लेकिन आप एंड दैट द एंड आपने मिलना ही मिलना है। यस, लेकिन ये आपको न्यू ऑफर देना चाहते हैं, न्यू कमिटमेंट देने के लिए आना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहता है। या तो ये पर्सन वो है जिसके साथ अभी आपका सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक एज अ कुलीग आपकी बातचीत थी, लेकिन वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है आपकी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट ये आपको लेकर काफ़ी ड्रीम कर रहे हैं गाइस, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। ये पर्सन बुक रीडिंग हो सकता है करते हैं, या फिर कॉफ़ी वगैरह, या फिर टी बहुत ज़्यादा पीते हैं, यू नो दैट्स वाई मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेशली एट द नाइट टाइम। ये पर्सन देखता है कि आप एक बहुत ही ब्राइट स्टार हो, जिसके आने से इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा शाइनेस, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, और इस पर्सन की ज़िंदगी में हीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, पीस आएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और इफ़ यू गाइज आर अ वर्किंग पर्सन, वट एवर आप लोग मेल हो फीमेल हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल एंड आप वर्किंग पर्सन हो और सिंगल हो और अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। ये पर्सन की विश है कि किसी तरह से आप इस पर्सन के लाइफ पार्टनर बन जाओ, दैट्स वर भी ये एक हार्डवर्क करना चाहते हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ एरिस लियो सेगिटेरियस, काफ़ी ज़्यादा कंपैशन है ये पर्सन को आपकी तरफ, एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन या तो गिटारिस्ट हो सकता है, या फिर किसी तरह इसकी म्यूज़िक फील्ड से हो सकता है, हो सकता है आप किसी तरह के कॉन्सर्ट वगैरह में मिले थे या फिर मिले हो, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन का कोई ना कोई कनेक्शन है म्यूज़िक से, या फिर इस पर्सन को वैसे ही गिटार प्ले करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज इट्स अ टू किंग, दैट्स वाई इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये मुझे लगता है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है वो फीमेल ऑलरेडी किसी के साथ या तो मैरिज में है, या फिर किसी तरह से कमिटेड है, और आप उसकी लाइफ में उसको अपनाना चाहते हो, आपको काफ़ी एडमायर कर रही है वो, और आप, मुझे लगता है सिंगल पेरेंट हो सकती है ये लेडी, और आप लोग एज अ मेल मोस्टली एनर्जी दिख रही है, शायद उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, आपको पता है कि वो सिंगल हैं या डिवोर्सी हैं, अकेले अपने किसी भी चाइल्ड का अपब्रिंगिंग कर रही हैं, तो आप शायद उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो। यस,
ना जिस वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो कीप योर माइंड ओपन। वी हैव द चैरियट, ये पर्सन आना चाहते हैं गाइज, इनको विक्ट्री चाहिए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है दिस पर्सन हैव अ कार, और ये आपकी तरफ आने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे ट्रैवल इन्वॉल्व है, और ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, कदम बढ़ाना चाहते हैं, एंड देन आपकी मीटिंग हो और फिर चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान क्रिएट हो सकें। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, चैरियट की एनर्जी है, ये स्टेप अप लेना चाहते हैं कोई ना कोई। यस, ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ ऑन द वे, या तो ये जो ड्रीम कर रहे हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए इस टाइम रेडी हो रहे हैं। कैंसर स्टार साइन हो सकता है, अगेन 7 की एनर्जी है, ऐसा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो हो सकता है जिसने ऑलरेडी आपको चीट किया किसी और की वजह से, और अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, या फिर किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए थे, बट अभी ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बिकॉज़ आई थिंक इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। दिस पर्सन कुड बी अ प्लेयर एंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आना चाहते हैं, ये आपको चीट करके गए हैं डेफिनेटली, सा 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। या तो कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, आपको बिना कुछ बताए क्लैरिफिकेशन दिए इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जब आप कमिटमेंट लेने की बात करते थे तो ये पर्सन मुझे लगता है आपको गोस्ट कर जाते थे, या फिर उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देते थे, या फिर आई फील लाइक जब आप कमिटमेंट की बात करते थे तो ये पर्सन जो है लेम एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर देते थे, कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई ट्रिक्स वगैरह खेलना। बहुत ही ज़्यादा स्पीशियस एनर्जी मुझे इनकी तरफ से आ रही है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक जगलिंग कि ये आप किस तरह से वापस आएँ आपकी लाइफ में, क्योंकि ये तो आपको गोस्ट करके गए हैं, आपसे झूठ बोल कर गए हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेयर की एनर्जी मुझे दे रहा है, काफ़ी स्नीकी बिहेवियर किया इन्होंने, और अब ये पर्सन जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आई फील लाइक हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पास्ट में एरोगेंट रहा है, आपसे सही कन्वर्सेशन भी नहीं की, ना ही कम्युनिकेशन करते रहे हैं, बट राइट नाउ डिसाइसिव एनर्जी दिख रही है इनकी मुझे, जैसे जगलिंग करती हुई। यस, इस पर्सन की एज 28, 27, 21, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, लेकिन मुझे 30 प्लस एनर्जी भी आ रही है। 7-7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 7-8-1-2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या आपका। नंबर 17 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। वन मोर कार्ड, नो कॉन्टैक्ट जोन, व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर चुका है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर चुके हैं ये अपनी इस बिहेवियर की वजह से। या तो इन्होंने आपको धोखा दिया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आपको चीट करेंगे, या फिर किसी तरह से आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी बोर हो रहे हैं, काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं, काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं अपने आप को, और ये वेट कर रहे हैं दोबारा आप लोगों की तरफ आने का, क्योंकि इन्होंने जो गोस्ट किया था उस वजह से दिस पर्सन इज़ टोटली जगलिंग के इनको क्या आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। ये पर्सन जो इस टाइम आना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ एक न्यू कमिटमेंट लेकर, क्या इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए? अगर आ भी जाते हैं तो क्या आप इनकी कमिटमेंट की इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि अभी तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा ही कुछ समथिंग सॉलिड आपको ऑफर करना चाह रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे वे में कम्युनिकेशन करके एक अच्छी सी आपके इस कनेक्शन की बेसिकली बेस बनाना चाहते हैं, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या आप इनकी इस ऑफर को लाइक एक्सेप्ट करोगे या आप इनको मौका दोगे, बिकॉज ऑलरेडी तो ये आपको रिजेक्ट कर चुकी है ना, दैट्स वाई इन्होंने कुछ किया है आपको गोस्ट, चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज आई फील लाइक हो सकता है ये पर्सन फील कर रहे हैं कि शायद आप इस पर्सन पर ट्रस्ट ना करो, ट्रस्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए इनके ऊपर। यस, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अपसेट एंड वेरी अनहैप्पी, काफ़ी बोर फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ टोटली लाइक फीलिंग लेफ्ट आउट। यस, यहाँ पे नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, बट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एक्वेरियस भी है। यस, वी हैव 9 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन लिटरली वांट टू ट्राई, ये ट्राई करना चाहते हैं, ये पर्सन रेसलर हो सकता है या फिर किसी तरह से कोई चैम्पियन हो सकता है, बट ये कोशिश करना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन ना कोई फाइट करना चाहता है आप लोगों की तरफ आने के लिए। नंबर 9, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड अप हो चुके हैं लेकिन स्टिल गिव अप नहीं करना चाहते, ट्राई करना चाहता है ये पर्सन, कोशिश करना चाहता है आप लोगों की तरफ। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 29 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 24 डेट ऑफ बर्थ एज, कुछ लोग मुझे 40 प्लस भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों की साइड से।
इट्स एरीज लियो सेजिटेरियस। लेट्स सी मोर, वी हैव कन्फ्लिक्ट नंबर फोर। नंबर फोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जो भी कन्फ्लिक्ट है इनके दरमियान वो ये पर्सन रिजॉल्व करना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई इनके झूठ की वजह से, इनका आपको गोस्ट कर जाने की वजह से, या फिर किसी तरह से आपको कमिटमेंट ना देने की वजह से, हर बार ये पर्सन कमिटमेंट देने से आपसे भाग जाते थे, या फिर उन्होंने जो आपको रिजेक्ट कर दिया उस वजह से जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ आप दोनों के दरमियान, ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं आप। एंड देन वी हैव हिडन मोटिवेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग इस पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो विद द स्टार्स। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो, या फिर आप लोग किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है। आप लोगों में से कुछ लोग हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर भी हो सकते हो, या फिर किसी तरह से स्टार सीड भी हो सकते हो, जैसे लोगों को हील करना, लोगों को कंसल्ट करना, लोगों को अच्छी अच्छी तरह से गाइड करना ताकि वो लोग परेशानी से बाहर आ सकें। आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। येस एंड देन वी हैव ट्रैवल नंबर फाइव। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करके ये पर्सन आना चाहते हैं। येस नंबर फाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, या ट्रैवल करके आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली वी हैव ग्रेट एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड। येस अगेन नंबर फोर है गाइस, ये पर्सन डेफिनेटली इट्स अ लॉट ऑफ बर्ड्स, तो डेफिनेटली ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको भी थैंकफुल बोलना चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों ने इस पर्सन को शायद काफ़ी मोटिवेट किया है, या आपके अपनी लाइफ में दोबारा से री एंटर करने के लिए, या फिर आपने जो इनको मौका दोगे उसके बाद ये आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि आपने इस पर्सन के ऊपर जैसे एहसान किया है, कि आपने फेवर किया है इस पर्सन के ऊपर, इनको दोबारा से चांस देकर, दोबारा से इनको अपनी लाइफ में आने के लिए, री एंट्री करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। यस वी हैव द लविंग वेमेन, डेफिनेटली ये पर्सन रियली फील कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक लविंग पर्सन हो, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और ये पर्सन अब अपना वही आपका जो लव है उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज इनको आपसे जैसे सुकून मिलता है ना आपकी एग्जिस्टेंस से, वैसे इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। नंबर सिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, या जो इन्होंने पहले ग्रेटिट्यूड शो बिल्कुल भी नहीं किया, ना आपको किया, ना यूनिवर्स को किया, अब ये करना चाहते हैं। एंड वी हैव किंडर्ड पार्टनरशिप, ये आपके साथ एक अट्रैक्शन, रोमांटिक कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ अट्रैक्शन। येस काफ़ी इंटेंस दिख रही है अब इनकी एनर्जी, इट्स अ न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके दरमियान जो भी कोई डिफ़िकल्ट साइकल्स थे, या डिफ़िकल्ट कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट थे, आर्ग्यूमेंट्स हुए, या जिस तरह की भी कोई ना कोई आपकी आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसको रिजोल्व करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव वे में एक हैप्पी बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। नंबर वन वन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, ट्रिपल वन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल वन नहीं, इलेवन इलेवन, क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन, ये भी वन, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वन। इलेवन इलेवन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली कुछ लोगों की यहाँ पे मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो, या फिर आपको इलेवन इलेवन दिखता है, तो ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, अदरवाइज आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस डबल फोर एंड ट्रिपल फोर नंबर भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, या सो नेक्स्ट मूव मैं देख लेती हूँ इनका क्या रहेगा आपकी तरफ, बट मुझे लग रहा है कमिटमेंट देने के चांसेस आ रहे हैं अभी तक तो, बट लेट्स सी। नो कॉन्टेक्ट जोन वीवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन गाइस, क्योंकि ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है ये उसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड, या मुझे लग रहा है ये पर्सन अब आपके पाँव भी पड़ेगा, डेफिनेटली इनको पता है कि आप इनको क्रिटिसाइज़ करोगे, और जब तक कि आपसे माफ़ी नहीं मांगेगी आप इनको चांस नहीं दोगे, तो नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड, क्योंकि इनको आने वाले टाइम में आपको हमेशा खो देने के डर से, आप लोगों को इनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसी इनसिक्योरिटीज़ आनी है, इसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे नाइटमेयर्स आने हैं, इस पर्सन को डिप्रेशन होना है, एनजाइटी होनी है, एंड देन इनको आपके तलवे भी झाड़ने पड़े ना, आपके तरले भी करने पड़े, आपके सामने झुकना भी पड़ा, अपनी ईगो को शो नीचे करना पड़ा, लेट डाउन, तो ये वो पर्सन भी करेगा, बिकॉज वी हैव थ्री ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन। ये पर्सन पास्ट का वापस आ रहा है आप लोगों के पास सेलिब्रेशन करने के लिए आपके साथ, बिकॉज मुझे लग रहा है ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से, हर चीज़ को, जो भी मेमोरीज आपकी पास्ट में थी, अच्छी वाली मेमोरीज, या जब आपका नया एक लव स्टार्ट हुआ था ये, तब वाली हर मेमोरीज़ को, हर टाइम को, जो क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं।
यस, और हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से विद द थ्री ऑफ कप्स एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी रहा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जिनके थ्रू ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, या फ्रेंड्स आपके इनके साथ आपके मीटिंग करवा सकते हैं और फिर ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ओके, 36 एज, 39 एज भी हो सकती है, अदरवाइज नंबर 36669, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 99 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।